हो ना हो ये देश का आखिरी चुनाव ना बन जाए। और ये बात मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा, एक हकीकत एक सच्चाई बता रहा हूं। कल आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, बीजेपी सांसद का गुजरात का बेटा, आप कहते हैं ईवीएम हैक कर रहा, वो तो पोलिंग स्टेशन फेसबुक लाइव कर रहा था और कह रहा था जो पीठासीन अधिकारी थे कि ये ईवीएम मेरे बाप ये बोल रहा था। आप हिमाचल देखिए, सूरत में क्या हुआ, इंदौर में क्या हुआ, आप जो है मध्य प्रदेश में क्या हुआ, चंडीगढ़ में क्या हुआ। ये डराने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। मेरा बार बार जो है लोगों से यही आग्रह होता है कि जब गांव बचेगा ना तब जो है खेत की लड़ाई लड़नी, खेत के में भी लड़ाई होती है, तो उसके लिए गांव बचना जरूरी है। घर बचेगा तो कमरे की लड़ाई लड़ लेंगे, उसके लिए घर बचना जरूरी है। जब बात हम तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, चाहे वो किसी भी दल के हों, उनको ये समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई तानाशाही के खिलाफ है और इस तानाशाही को अगर हम हराना चाहते हैं तो हमको एकजुट रहना है। और गठबंधन का मतलब सिर्फ मंच पे गठबंधन नहीं होता, गठबंधन का मतलब बूथ पर गठबंधन होता है, मतदाताओं के बीच गठबंधन। तो मेरा तीसरा निवेदन आपसे यही है कि आप सब साथी, अनुभवी साथी हैं, हमने आपको पहले ही बाकी सब चीज की चिंता छोड़ दीजिए, माहौल बनाने की चिंता, कुछ मतदाता आपको कह रहे होंगे कि कैंडिडेट नहीं देखे हैं उसकी चिंता, हम जवान आदमी हैं, हम कोई मतलब मैं प्रधानमंत्री जी का भजन बना, तो प्रधानमंत्री जी ने अपने भजन में कहा कि 70 साल के बुजुर्गों को आपका ये 74 साल का बेटा कितना मजा आ रहा है ना, 70 साल के बुजुर्गों को उनका 74 साल का बेटा। तो जब मोदी जी 74 साल का होकर के जवान हो सकते हैं तो मेरी उम्र का भी 36-37 साल ही है। हम खूब मेहनत करेंगे, लोगों तक पहुंचना, लोगों को अपना जो है जितने लोगों तक हम पहुंच सकते हैं प्रचार प्रसार बढ़ाना, वो काम हम जरूर करेंगे। अच्छा आप सब लोग बताइए, नामांकन होने से पहले आप सबको नामांकन की चिंता हो रही थी ना जी, कैसा नामांकन हुआ? जबरदस्त। तो जब नामांकन कहते हैं ना कि आरंभ अगर ऐसा है तो अंत बहुत शानदार होगा। आपसे तो मैं जो तीसरा निवेदन कर रहा हूँ कि आप बूथों की तैयारी करें, सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके आपका पूरा ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि हमारी बूथ की तैयारी मजबूत हो। बूथ की तैयारी यदि मजबूत है तो घर घर जाकर के कैंपेन करना भी आसान हो जाएगा, गलियों में कैंपेन करना आसान हो जाएगा, मोहल्लों में कैंपेन करना आसान हो जाएगा, वार्डों में कैंपेन करना आसान हो जाएगा और विधानसभाओं में कैंपेन करना आसान हो जाएगा और किसी के आदेश का इंतजार नहीं करना। ये बात बताइए, घर में आग लग जाती है तो आप इंतजार करते हैं कि मम्मी कहेगी तब बुझाएंगे? नहीं करते हैं ना। प्रोटोकॉल अपनी जगह है, पार्टी की हायरार्की अपनी जगह है, लेकिन यह बात तो दल से ऊपर चली गई है ना, यह बात अब दल से ऊपर देश पे जब पहुंच गया है तो देश का जिम्मेदार नागरिक होने के चलते देश के भीतर गांधी के विचारों को मानने वाला होने के चलते, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को धारण करने वाला होने के चलते और शहीद आजम भगत सिंह के सपनों का देश बनाने का उम्मीद रखने वाला होने के चलते हम तमाम लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी है। और प्रत्याशी तो मैं अभी हूं, अभी हम प्रत्याशी बना, संघर्ष ये बहुत लंबा, आखिरी बात बोल करके अपनी बात समाप्त करूंगा।
देखिए आप जब प्रचार करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको बीजेपी का दुष्प्रचार का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहली बात आपको यह समझनी है कि बीजेपी का लोग ही मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करता है। जो भी झूठ बोला जाता है वो किसी भाजपा के द्वारा ही बोला जाता है। तो पहली बात तो आप यह समझिए ना, एक शेर आप लोगों ने सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज में कातिल में है, अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है, देश में 543 सीट है, प्रधानमंत्री अगर आपके प्रत्याशी का नाम ले रहा है तो आपकी जीत तो वैसे ही होगा। इस सीट को हॉट सीट कौन बनाता है? इस सीट को हॉट सीट भाजपा बनाता है। तो दुष्प्रचार तो वो कर ही देता है, झूठ वो फैला देता है, नफरत की आग को लगा देता है, आपको मोहब्बत का गुलाब जल छिड़कना है। हमको घर घर कौन बहन पहुंचाया? हमको घर घर प्रधानमंत्री जी ने पहुंचाया। हमको घर घर कौन पहुंचाया? हमको घर घर जय शाह के पिताजी ने पहुंचाया। हमको घर घर कौन पहुंचा रहा है? आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी पहुंचा रहे हैं। आदरणीय सांसद जी नामांकन के सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को बता दिया कि 8 लोग ही नामांकन में आए थे। तो मैं तो उनको धन्यवाद करता हूँ, सांसद महोदय आप उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के लिए भले काम नहीं करते हो लेकिन चुनाव में हमारा तो बहुत अच्छा मदद कर रहे हैं। उनको करने दीजिए, क्यों? क्योंकि जब वो बोलते हैं तो लोग को ना वो मूर्ख समझते हैं। लोगों के मन में अपने आप एक सवाल आता है कि अगर सांसद महोदय सच बोल रहे हैं, अगर ये गलती किया है, अगर ये देश के खिलाफ कुछ बोला है तो ये दो दो बार चुनाव कैसे लड़ रहा है? आप दिल्ली में मुख्यमंत्री को पकड़ करके जेल में डाल दिए और हमको छोड़ दिए हैं कि रोज जो है आपका गिरेबान पकड़ करके आंख में आंख में आंख डाल करके सवाल पूछ। और वीडियो नकली बना करके बदनाम करना ये इनका पुराना धंधा है। आपको बस ये सोचना है कि आम लोग ये बात नहीं कहते, ध्यान से देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोग कहते हैं। अच्छा तो भाजपा के लोग क्यों नहीं कहेंगे? जो भाजपा के समर्थक हैं वो मोदी जी को भगवान मानते हैं और आप उनके भगवान से सवाल पूछिए, आप मोदी जी से सवाल पूछिएगा तो उनको गुस्सा आएगा ना। आपके नेता से अगर कोई सवाल पूछता है तो आपको गुस्सा आता है, वैसे ही हम उनके नेता से सवाल पूछते हैं तो उनको गुस्सा आता है। उनको तो 40 डिग्री टेम्परेचर में ठंडा पानी पियो कि पानी पियो ठंडा रखो। एक बात याद रखना, झूठ की अपनी एक उम्र होती है। तुम यह बातें 8 साल से बोल रहे हो, बस बोल ही रहे कर कुछ नहीं है और मैं उनको सफाई नहीं देता। पता है क्यों? सच को गवाही की जरूरत नहीं होती। हमको उनके सामने देशभक्त साबित करने की जरूरत है। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई है, जिस पार्टी के लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा। मैं उस परिवार से आता हूं जहां स्वतंत्रता सेनानी पैदा, मैं उस धरती से आता हूं गंगा के किनारे जहां राष्ट्र कवि दिनकर बैठा है, मैं उस परिवार से आता हूं जिसके घर के लोग सीमाओं पर नौकरियां करते हैं, सुरक्षा बलों की नौकरी करते हैं, सेना की नौकरी करते हैं। हम एक ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहां हम इस देश को निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं और इसी सपने को लेकर के गंगा किनारे से चल करके यमुना किनारे पहुंचे हैं। और यह एक संयोग है, यह एक संयोग है कि गंगा और यमुना का मिलन हो रहा है, यही भारत है, इसी भारत को हमको बचाना है। इसीलिए आप तमाम लोगों से यह आग्रह और निवेदन है, यह लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। इस लड़ाई को हमको हर हाल में जीतना, क्यों? क्योंकि जो पूर्वजों ने हमको दिया है हमको उसकी रक्षा करनी है। और सवाल एक सीट बचाने का नहीं है, सवाल
तानाशाही को मुंहतोड़ जवाब देने का है। सवाल संविधान की रक्षा करने का है और सवाल उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले जो आम लोग हैं उनसे पूछ के देख लीजिए, जो भाजपा को वोट दिया 2014 में, जो भाजपा को वोट दिए 2019 में, उनसे भी पूछ करके देख लीजिए, वो कहते हैं कि हमारे सांसद ने कोई काम नहीं किया। जो लोग 2014 में वोट नहीं दिए, जो लोग 2019 में वोट नहीं दिए, उनके पास कोई कारण नहीं है कि 2024 में वो वोट देंगे। हमको उन लोगों को एकजुट करना है जो परिवर्तन करना चाहते हैं, और उनको ये कहना कि अगर आप सांसद से नाखुश हैं तो आपके पास एक विकल्प है और इंडिया एयरलाइंस एक विकल्प लेकर के आया है, आप इस विकल्प को चुनिए। रही बात सांसद प्रत्याशी को जानने और समझने की, तो उसका एक जवाब आपको देना है, कहना है कि आप सांसद प्रत्याशी से भले नहीं मिले, हमसे मिले हैं ना, हमसे मिले हैं, हम पर विश्वास जताते हैं, हम आपकी गली में रहते हैं, हम आपके मोहल्ले में रहते हैं, हम आपकी कॉलोनी में रहते हैं, मैं गारंटी लेता हूं लड़ने वाला बच्चा है हमारे हक और अधिकार के लिए लड़े, और मैं इस क्षेत्र के तमाम मतदाताओं से एक बात का भरोसा देता हूं, जो भी इस क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी मुझे मिल रही है, कल जब मैं करावल नगर था तो लोगों ने मुझे दो समस्याएं बताई, एक कि पुस्ता रोड जो है वो डबल लेन, वो जो है फोर लेन होना चाहिए, वो सिंगल रोड है। दूसरा समस्या लोगों ने बताया कि अंडरपास होने की वजह नहीं होने की वजह से घूम करके उत्तर प्रदेश से घूम करके दिल्ली में आए। इसी तरह से हम जिस भी विधानसभा में जा रहे हैं उस विधानसभा की समस्याओं को इकट्ठा करें। जैसे मैं बुराड़ी गया तो बुराड़ी की सबसे बड़ी समस्या क्या है, देखिए ये मुझे कहते हैं टुकड़ा टुकड़ा, लोगों के सपनों को तोड़ रहे हैं, लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। बुराड़ी के भीतर जो दादागिरी है टीडीए की, खून पसीने की कमाई से लोग घर बना ले रहे हैं लेकिन जो हमको बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा है, शराब के नाम पर जो ठेकेदारी चल रही है, जो अवैध बदमाशियां चल रही है, मैं आप लोगों से वादा करता हूं उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोग समर्थन करें, यह तमाम जो मुद्दे हैं इसके खिलाफ पहली लड़ाई लड़ी जाएगी और निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। इसीलिए आप सबसे आग्रह करना है कि जैसे अर्जुन की नजर सिर्फ मछली की आंख होगी, हमारी भी नजर इस बात पर रहनी चाहिए कि इस बार हाथ में है झाड़ू और यह जो 10 साल का अन्याय इन्होंने फैलाया है सांसद महोदय ने, इस अन्याय के कचरे को साफ करना है। इसी अपील के साथ पुनः आप तमाम कार्यकर्ता नेता जो यहाँ इस बैठक में आए हैं, आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के और इंडिया गठबंधन के दूसरे दल के, सबको जो है बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द इस देश का नक्शा बदलेगा, एक अच्छी और सेकुलर सरकार इस देश में आएगी और देश के नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और देश तरक्की के राह पर भी चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उसके लिए मैं फिर सभी का धन्यवाद करता हूँ। आज ये मीटिंग इंडिया गठबंधन की, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सभी साथियों को एक मंच पर लाने के लिए और डॉक्टर अय्यर कुमार, लेकिन हमें ये देखना कि किस तरह हम अपनी सीट के सामने और सीट को निकालने का सब एक ही तरीका मैं समझता हूँ, हम सबको एकजुट होकर के मेहनत करनी है। पूर्व विधायक है, हम लोग इनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, हमारे से पूर्व विधायक भाई उस्मान जी हमारे से जा चुके हैं, हम इनका भी हार्दिक स्वागत है। साथियों सभी में जाए जाए इंसान करना और इसीलिए दिल्ली लोकसभा की गवर्नमेंट की जो एरिया गठबंधन की जो मीटिंग है हमारे मंच पर है।
बैठे हुए इन सभी नेताओं का आप लोग सही दिल से स्वागत करते हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय अजीत शर्मा जी हमारे बीच बैठे हुए हैं, पूर्व विधायक है वो आए और मैं उनसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो लोग सबसे बोले कि कैसे हमारा इंडिया गठबंधन का रूपरेखा सुचारू रूप से चले और कैसे हम लोग आगे कार्य करें। भारत माता की वंदे वंदे। मैं काफी देर से बैठा तो कुछ बोल नहीं रहा है, जोर से बोलो भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद दिलाएं जी, और जिस तरह से उन्होंने बोला चौधरी बटी साहब और हमारे अब्दुल रशीद साहब है मिलकर, साथियों राजनीति में एक और एक दो नहीं होता, एक और एक ग्यारह होता है। जिस तरह से अगर हर एक विधानसभा में हमारे इस तरह से पूरा दोनों पार्टियां लग गई तो जीत सुनिश्चित है, और वो करे उपास संसद में बैठेगा और आप लोगों की आवाज बनकर वो आप संसद में बताएगा कि कैसे जनता के लिए काम किया जाता है और कैसे जो हिंदू मुसलमान का फर्क है, जो भारत पाकिस्तान का फर्क है, जो भारत पर लगा रखा है, इसको कैसे दूर किया जाता है। साथियों में ज्यादा समय लूंगा, इसी बीच हमारे सीमा पुलिस के पूर्व विधायक श्री वीर सिंह बिहान जी हमारे बीच बैठे हुए हैं, मैं इन्हें मंच पर बुलाऊंगा कि समय का अभाव है और जल्दी से दो सब बोल रहे हैं कि कैसे हम लोग आगे इसकी रूपरेखा बनाएंगे। संघर्ष करो कन्हैया जी, संघर्ष करो। आज की इस कंट्री के हीरो आदरणीय कन्हैया कुमार जी हमारे बीच में, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुभाष चोपड़ा जी, दिल्ली के पूर्व मंत्री डॉक्टर नड्डा जी, विजय रोचन साहब, परिवार का वोट एक एक वोट करवाइए और उसके बाद अपने गली मोहल्ला इलाका एक एक वोट पोल करा दो दोस्तों, इंशाल्लाह जीत तुम्हारे कदम चुकी हुई है। सिर्फ वोट पोल करना है, अगर आपने एक एक वोट निकालकर बूथ तक पहुंचा दिया, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि कन्हैया कुमार जी को यहां से छिटक के, किसी की मां ने, बस हमारी मेहनत एक बात पर होनी चाहिए कि हमें वोट किस तरह निकाल कर पोलिंग बूथ पर पहुंचाना है। और मैं कन्हैया कुमार जी आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि आप अपनी पार्टी और कांग्रेस एक साथ भाइयों की तरह मिलकर बुराई को छोड़कर सबसे ज्यादा वोट सिर्फ सीतापुर से जीता कराएगा आपको मेरा वादा, इंशाल्लाह दोनों मिलकर करेंगे हम काम आपके लिए, और पूरी मेहनत और ईमानदारी से करेंगे। और एक और बात कहता हूं, आप कहीं कुछ खर्चा करिए, हमारी सीतापुर विधानसभा में आपको एक रुपया खर्चे नहीं देने की जरूरत।